टेम्परेचर यानी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को बढ़ते हुए तापमान से राहत नहीं मिल रही है। वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि पारा और हाई होगा, यानी जो पारा आपको 42 दिखता है यही कुछ दिनों में आपको 44 दिखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जम्मू में जो है वो गस्टी विंड की बात करें वो चल रही है। अगर आप यहाँ पर नजर घुमा के देखें तो आपको पता चलेगा कि हवाएं जो है वो चल रही हैं, यानी अगर आप इसे राहत कहते हैं तो ये राहत कईयों के लिए हो भी सकती है जो समझे, लेकिन कईयों के लिए जिस तरह से बात करते हैं ये राहत नहीं है। फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी मेजर राहत जो है वो नहीं मिलने वाली। यहाँ आप लोग 28 मई की बात करते हैं उसके बाद जो है आपको लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ हैं क्या वो बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मौसम सही हो? अगर यहाँ पर जम्मू में इस तरह की हवाएं चल रही हैं तो अमूमन मानने वाली बात है कि किसी जगह पर कोई लाइट जो है बात करते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होगी या तेज हवाएं जो है वो चल रही होगी। फिलहाल के लिए मेरी गुजारिश जो है वो राजौरी पुंछ वाले लोगों से है कि राजौरी पुंछ में भी किस तरह का मौसम है, या श्रीनगर की अगर बात करते हैं तो श्रीनगर में मौसम कैसे है, क्योंकि कल अगर बात करते हैं श्रीनगर में भी बहुत ज्यादा गर्मी थी लेकिन जम्मू के मुकाबले पारा जो है वो इतना हाई नहीं था जितना जम्मू में होता है। जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसा मौसम है। और फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि हीट वेव्स को लेकर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने भी एडवाइजरी जो है वो जारी की है। और जहां पर पहलगाम की बात करते हैं पहलगाम में जो है वो लो रिकॉर्ड किया गया 7.7 डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट 7.5 डिग्री सेल्सियस यानी प्रीवियस नाइट। अगर जम्मू की बात करते हैं जम्मू में रात का टेम्परेचर जो है वो लो है, लेकिन दिन की अगर हम बात करते हैं दिन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसे देखते हुए अब स्कूल में जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी सोचते हैं कि उन्हें छुट्टियां हो। लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे कहां से देख रहे हैं और आपके वहां पर किस तरह का मौसम है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। और मई 28 की बात करते हैं, अभी 6 दिन के जिस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि कोई भी मेजर जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर बंगाल में मौसम सही है और देखिए अच्छा मौसम है, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो मुझे ये बताइए कि आप किस एरिया से मुझे देख रहे हैं ताकि मुझे जानने में आसानी हो किस एरिया में जो है वो वहां पर मौसम खराब है। कल हमने आपको जम्मू से बिल्कुल तस्वीरें बताई कि किस तरह से जो तारकोल है वो पिघलना शुरू हो गई है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि तापमान जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट हो, लेकिन तापमान में गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और आप ये पूरी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको वहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे, नीचे वहां पर देखिए पानी में, यानी आपको पानी का एक नजारा दिखाते हैं। अभी आप नीचे वहां पर देखिए कि देखिए जो भैंसे हैं वो वहां पर नहा रही हैं, यानी गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए बर्ड शाबीर है वो कह रहे हैं कुपवाड़ा में भी बहुत गर्मी है, राजस्थान में 47 है और यहाँ पर 42 है। सूरज की अगर बात करें उसके आसपास की एरिया उसमें की अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पर आपको बहुत सारा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। और फिलहाल अगर माने तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही कह दिया था कि आपको इस तरह का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। आज शाम की बात करते हैं, आप जहां भी देख लें अभी जम्मू में आप कहीं भी देख लें, अगर आप पुल के उस तरफ देखेंगे जहां पर बावे वाली माता का दरबार भी है, अगर आप उस तरफ देखेंगे आपको बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जो है वो दिखाई देगी। तो ये वही है कि कहा गया था कि तेज हवाएं जो है वो चलेंगी, गस्टी विंड जो है वो भी होंगी। और अगर वेदरमैन की बात करते हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज ही के दिन थर्सडे को हीट वेव्स जो है वो भी होंगी। लेकिन प्लेन्स की अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में आपको जो है यहाँ पर वेदर की बात करें वो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। वही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं उन्होंने मई 23 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कहा है कि जनरली ड्राई लेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ थंडर शॉवर एक्टिविटी एज आइसोलेटेड प्लेस एरिया कैन नॉट बी कंट्रोल आउट। आगे अगर बता दें 29 से लेकर 31 तारीख तक तो यहाँ पर कहा गया कि जनरली क्लाउडी रहेगा, लाइट रेन रहेगी और थंडर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। 31 की बात करते हैं वेदर में कोई चेंज, यानी अगर आपको मौसम में चेंज देखना है तो आपको जून के ही महीने में दिखेगा, आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मौसम में चेंज जो है वो नहीं दिखने वाला। फिलहाल के लिए ये जो सुबह सवेरे से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ह्यूमिडिटी की बात करें अप्रैल और मई के महीने के शुरुआती दौर की बात करें इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी जो है पड़ना शुरू हो गई है। भैंसे जो है वो पानी में नहा रही हैं, लोग अपने आप को जो है वो यहाँ से बचा रहे हैं तापमान से। स्कूल जाने वाले बच्चों को कहा गया है कि आप लोग अपना अपना सर जो है वो कवर करके रखें ताकि डायरेक्ट सनलाइट से जो है आप लोग बच पाए। और जिस तरह से अभी आपको बता दें कि कुछ कुछ जगहों पर जो है वो मौसम ठीक होना शुरू हुआ है, लेकिन अगर आपके एरिया में भी मौसम ठीक हुआ है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं कि वहां पर मौसम जो है वो अभी खुशगवार हुआ है यानी ठीक हुआ है। जिस तरह से अभी जम्मू से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जम्मू में अभी फिलहाल अगर बात करते हैं यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्मी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में आप लोगों को राहत देखने को मिल रही है, गर्मी ज्यादा है और लोगों का यही मानना है कि इस गर्मी से जो है कोचरंका में बारिश हो रही है।
देखिए जिस खबर का इंतजार था वो खबर मिल गई। जिस तरह से बारिश की बात करते हैं यहाँ पर कई कई लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि मौसम खराब होगा, जम्मू में नहीं है, हो सकता है कि शाम को या देर रात को कहीं पर मौसम खराब हो, लेकिन जो वेदरमैन की प्रेडिक्शन है वो यही कहती है कि वेदर जो है वो ड्राई रहने वाला है। फिलहाल के लिए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपके वहां पर कैसा मौसम है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। स्कूल जाने वाले बच्चे जो है आपके स्कूल जाते हैं, आप उन्हें वाटर बॉटल जो है वो भरकर दे, जो आपकी मर्जी है, जिस तरह से जो आप फ्लूड देना चाहते हैं वो उन्हें दे, ताकि वो अपने आप को हाइड्रेटेड रख सके, सेफ रख सके। और स्कूल में भी कहा गया है कि बच्चों को पानी पीने दे, वाटर ब्रेक जो है आप अलग से रखें, और बच्चों का सर कवर करके रखें ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट के प्रभाव से बच पाए। फिलहाल के लिए आप मुझे कहां से देख रहे थे ये जरूर बताइएगा। जम्मू बुलेटिन न्यूज के ऑफिशियल पेज को जो है वो लाइक करना ना भूलें, यानी फॉलो और लाइक करते हुए जाएं, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।